वेलकम बैक स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एट अ फ्लैश ऑफ लाइट ओके सो बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट ओके वैलेंटाइन अलाउड द बेगर टू कीप द फ्रैंक ऑल दो इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी इन दोज डेज तो वैलेंटाइन ने अलाउड कर दिया बेगर को एक फ्रेंक ले जाने के लिए जबकि उस उन दिनों वन फ्रेंक बहुत एक बड़ा मनी का डील एक बहुत ही बड़ी रकम होती थी As he continued his walk, he thought to himself, if the blind can distinguish, distinguish at least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, a letter or a figure? to chalte hue continue चलते हुए uh, Valentine ने सोचा कि अगर एक blind जो है वो touch करके बता सकता है कि वो frank है या piece of क्या piece of money है, तो वो क्यों नहीं uh, अंतर बता सका? कि अंतर नहीं बता सकता? कि uh, uh, ये वर्ड्स या फिर साइंस क्या है? इन शॉर्ट दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग ब्लाइंड पीपल जो है वो किसी भी उठे हुए साइन को आ, आसानी से डिस्टिंग यानी कि उसको अंतर बता सकता है दिस आइडिया वेलेंटाइन टुक होम अ ब्लाइंड बॉय हु ही फाउंड बेगिंग एट अ चर्च डोर इस आइडिया के साथ वेलेंटाइन अपने घर एक ब्लाइंड बच्चे को ले आया जो की एक बेगर था और कहा बेगिंग करता था चर्च डोर पर द ब्लाइंड ब्लाइंड बॉय बॉय बिकेम हिज फर्स्ट प्यूपिल एंड वेरी क्विकली हाउ टू रीड फ्रॉम साइन था वो उनका पहला प्यूपिल प्यूपिल क्या होता है बेटा छात्र है ना स्टूडेंट स्टूडेंट बना और बहुत ही जल्दी उसने रेस्ट वर्ड के साथ में साइंस के साथ में पढ़ना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ मनी डोनेटेड बाय द पब्लिक स्कूल फॉर द ब्लाइंड तो डोनेशन से मिले हुए पैसों पब्लिक से जो डोनेशन से जो पैसे मिले थे वेलेंटाइन को उन पैसों से उसने बहुत जल्दी स्कूल खोला ब्लाइंड बच्चों के लिए समय लेटर अ ब्लाइंड मैन कोल्ड लुइस ब्रेल नाइनटीन एन नाइन फिफ्टी टू ईय का पूरा लाइफ स्पैन है ऑल्सो फ्रेंच मैन लाइक वैलेंटाइन हॉय फेक्टेड सिस्टम ऑफ राइटिंग स्पेशली फॉर द ब्लाइंड दिस राइटिंग इज कॉल्ड ब्रिल कुछ साल के बाद एक आदमी जिसका नाम था लुइस ब्रिल उसने इसका लाइफ स्पेन इस यहां पर है उसने क्या किया वो भी एक फ्रेंचमैन था दैट मीन्स फ्रांस से बिलोंग करता था तो उसने ऐसा एक सिस्टम ऑफ राइटिंग स्पेशली ब्लाइंड्स के लिए जो रेस्ट वर्ड्स होते हैं वो स्पेशल सिस्टम ऑफ़ ने बनाई जिसको आज हम कहते हैं ब्रेल ब्रेल ओके okay? ब्रेल इज अ स्पेशल अल्फाबेट यूज बाय द ब्लाइंड ओके तो ब्रेल क्या है एक्चुअली एक स्पेशल अल्फाबेट है जिसे ब्लाइंड यूज करते हैं द अल्फाबेट इज मार्क्ड बाय रेस्ट डॉट ऑन स्टिफ पेपर विच ब्लाइंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड बाई द टच ऑफ देयर फिंगर्स ये जो अल्फाबेट से, पे, से मोटे पेपर पेट के साथ में लिखी हुई होती है जिसे ब्लाइंड पीपल इजीली टच करके बता सकते हैं कि क्या लिखा है ओके okay? अपने फिंगर से इजिली टच कर सकते हैं तो लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड एंड वर्कड इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस तो लुइस ब्रेल भी एक ब्लाइंड पीपल थे जो की जिन्होंने काफ़ी समय तक पेरिस में एक ब्लाइंड स्कूल में काम भी किया था सिस्टम दैट ही डेवलप्ड इन 1834 वाज नॉट यूज्ड मच अंटिल अबाउट द टाइम ऑफ ब्रल्स डेथ इन 1852 तो ये जो सिस्टम ऑफ राइटिंग था अंधों के लिए जो ब्लाइंड पीपल के लिए जो था तो इन जब उन्होंने डेवलप किया था 1834 में लेकिन उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था अंटिल कब तक उनकी डेथ तक ईच लेटर इन द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेस्ट डॉट तो हर अल्फ़ाबेट में एक या एक से ज़्यादा जो है रेस्ट डॉट होते हैं इन द डाइग्राम बिलो द स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट अनरेस्ट मार्क्स द लार्ज डॉट रिप्रेजेंट रेस्ट मार्क्स तो यहाँ पे एक डाइग्राम आपके पास है ये जो स्मॉल डॉट्स हैं ये बोल रहा है जो स्मॉल डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है अनरेस्ड जो उठे हुए नहीं है उनको उन डॉट्स को बताता है जबकि ये वाले जो बड़े वाले जो हैं ये रेस्ट डॉट को बता रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज रिटर्न एच ई एल एल ओ फ्रॉम द डाइग्राम अबव यू कैन सी दैट द लेटर एच कंसिस्ट ऑफ थ्री रेस डॉट आप देख सकते हो कि इसके पास थ्री रेस डॉट है एंड द लेटर एल कंसिस्ट ऑफ थ्री डॉट्स है ना और एल के पास कितने बेटा थ्री रेस डॉट है हाउ एवर द डॉट्स फॉर एच आर इन अ डिफरेंट पैटर्न टू दो विच मेक अप द लेटर एल ओके तो यहाँ पे बेटा एच के पास भी तीन रेस डॉट है एल के पास भी है लेकिन इनके पैटर्न क्या है बेटा डिफरेंट है इसको टच करके ब्लाइंड जो है अल्फाबेट्स को रीड करते हैं देर आर सिक्स पॉसिबल पोजिशन फॉर इच डॉट तो हर एक डॉट के लिए सिक्स पॉसिबल पोजिशन है बाई प्लेसिंग द डॉट्स इन अ वर्यस पोजिशन सिक्सटी थ्री डिफरेंट पैटर्न और शेप्स कैन बी मेड तो इन डॉट्स को अलग अलग पोजिशन पर रख के सिक्सटी थ्री डिफरेंट पोजिशन और पैटर्न जो है बनाना संभव है दिस मीन्स डेट देर आर पैटर्न फॉर ईच ऑफ द ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट दैट मीन्स आप पूरे छब्बीस जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके लिए एक आप इजिली इन डॉट से बना सकते हैं इन एडिशन टू दो्वेंटी सिक्स पैटर्न देयर आर पैटर्न फॉर स्पेशल वर्ड्स और वर्ड्स दैट आर यूज अ लॉट इन एवरी डे लैंग्वेज तो इन ट्वेंटी सिक्स पैटर्न को आप ऐड करके जो वर्ड्स हैं नए नए वर्ड्स जो लैंग्वेज में यूज होते हैं उन्हें आप बना सकते हो सम of the common words such as and if it for the and many other frequently used words have one braille system each तो जैसे कि ये कुछ words हैं it if for the ऐसे और कुछ frequently जो है इनके लिए जो होता है have one braille system मतलब that, symbol that मीन इन सबके लिए एक ही braille symbol है for example the word and occur very frequently in English टू मेक इट इजियर टू रीड इन ब्रेल इट इज रिटर्न लाइक दिस एंड जो है काफी कॉमन वर्ड है ये देखो इसे इस तरह से लिखा जाता है अदरवाइज ईच लेटर वुड हैदरवाइज बाकी जो है ये इन्हें इस तरह से लिखा जाता है ओके बुक्स इन ब्रैल है जो बुक होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है दिस इज बिकॉज रिस्ट मार्क्स आर पंच रोज अक्रॉस ईच पेज क्यों क्योंकि रेस्ट वर्ड जो है वो बाहर निकल आते हैं द रेस्ट मार्क्स हैव टू बी बिग इनफ टू बी फिल्ट बाय द फिंगर और जो रेस्ट वर्ड जो जो रेस्ट मार्क्स है वो भी थोड़े बड़े होते हैं बिग इनफ है ना थोड़े बड़े होते हैं जिससे आप फिंगर से उसे ईजीली फील कर सको टिप ऑफ द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ और टिप जो होता है पेपर का वो थोड़ा मोटा स्टिफ होता है मैनी बुक्स आर रटन इन ब्रिल बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है ब्रिल में ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू रीड ब्रैल एंड इन दिस वे दे टू कैन रीड एंड एंजॉय द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट ऑथर्स तो ब्रैल जो ब्रैल के एक तरह से कहना चाहिए कि ब्रैल के हेल्प से जो ब्लाइंड पीपल है वो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं जो ग्रेट ऑथर्स ने लिखी है देयर आर आल्सो मशीन्स दैट हेल्प ब्लाइंड पीपल टू रीड टू राइट इन ब्रेल और अब तो ऐसी मशीनें भी आ गई जो ब्लाइंड पीपल को लिखने में ब्रेल लिखने में जो है हेल्प करती है सो so, स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं आप इसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है सो so, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा था थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच